सरिस्का के जंगलों में लगी भीषण आग और बढ़ती आग पर राजगढ़ विधायक जौहरी लाल मीणा ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आग फैल गई। आग की जानकारी होने के बावजूद भी आग को बुझाने का बंदोबस्त नहीं किया गया। मीणा ने बताया कि पेड़ों के आपस में टकराने से आग लगी थी, जिसके कारण सूखी घास में आग लग गई और आग जंगल में फैल गई। वन विभाग ने आग बुझाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। विधायक मीणा ने बताया कि बेटे पर दुष्कर्म का आरोप राजनीति संयंत्र है, गुनहगार को सजा मिलेगी, जाँच चल रही है। क्या लग रहा है आपको, सरकार का रुख किस तरह का है? सरकार का रुख के लिए गड्ढा अच्छा है, अधिकारी गण में कमजोरी है, अधिकारी की कमजोरी से, लापरवाही से, नेगलिजेंसी से सिरसका में आग लगी। यदि पहले सचेत रहते तो, और उनको पता था कि पेड़ के आपस में टकराने से, बांस के जो पेड़ है उनको टकराने से उत्पन्न होती है कहीं अग्नि बिजली, और उसे बिजली होते में घास है और उसमें लगे भी नहीं मानेंगे। ये सचेत आगे डीएफओ, एसीए, रेंजर, फॉरेस्टर, उनको रहना चाहिए। ये जो सारी जितनी हुई है ये हमारे अधिकारियों की कमजोरी से। अच्छा, लगातार इतनी लापरवाही के बावजूद भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, क्या किसी तरह की राजनीतिक संरक्षण भी अभी लगता है? उनके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं, पहले जो संकट है वो संकट को दूर किया जाएगा, और संकट दूर हो जाएगा तो उसके लापरवाही की जो उसका पनिशमेंट मिल जाएगा। सरकार बिल्कुल चिंतित है, सोच रहे हैं, जागरूक है। सरकार कभी भी गलती करने वाले अधिकारी को नहीं दोष देगा। अच्छा, एक आपके बेटे को लेकर भी एक मामला प्रकाश में आया, क्या कहना है? बेटे को लेकर के बिल्कुल डरते है, राजनीति विरोध है, राजनीति षड्यंत्र है, और राजनीति ये चाहती है कि जोरेलाल किस से डाउन किया जाए, जोरेला डाउन हो, निकाल डाउन हो, जो उन जो ने किया उनका चरित्र है, वो चरित्रहीन आदमी है, वो खुद ही और भ्रष्ट है, जिन्होंने डेयरियों में और नगर पालिकाओं में उन्होंने खुद ने इतना भ्रष्टाचार किया है, पकड़े गए हैं, वो दूर से गोबर क्या रक्षा कर सकते हैं? मैं खुद चोर हूँ, दूर से आदमी मैं क्या रक्षा कर सकता हूँ उसे? इसलिए मेरे ऊपर कोई वो तो राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक ग्रोह है, क्योंकि चुनाव ऊपर से आ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं इसका टिकट कटे और चुनाव में हारे। नहीं, मेरी लोकप्रियता वो देख करके वो चिंतित है, दुखी है, और मेरी लोकप्रियता आगे बढ़ती जा रही है, घटती जा रही है। अच्छा, एक अहम सवाल, आपने अभी कहा कि प्रशासनिक अधिकारी लापरवाह हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। कांग्रेस सत्तारूढ़ दल है और सत्ता में है, आज हम एक शब्द बोलते हैं तो उसका प्रवचन पर्यवाचिक अनेक उसका भावार्थ निकालते हैं, और वो भावार्थ बीजेपी के लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग खुद ही, मैं देख रहा हूँ, मेरे ऊपर बीजेपी के लोग पैसे दे देकर महिलाओं को और को पट्टा करके महिलाओं से आरोप प्रत्यारोप लगवा रहे हैं। ये काम बीजेपी का है, नहीं कांग्रेस है। कांग्रेस तो प्रजातंत्र की स्तंभ है, कभी भी व्यक्तित्व पे आज नहीं आने देती और न किसी के ऊपर ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखती। बीजेपी का काम यही है कि गलत काम लोगों को फंसाएं, गलत आदमी को उसके पीछे लगावें, पैसे दे करके, क्योंकि बीजेपी के पास पैसे है। कांग्रेस एक ईमानदार गरीबों की पार्टी है।